हाय यू यू नो वंडर कि हाउ समबड़ी कैन मेक दिस काइंड ऑफ मनी ओके हाउ समबड़ी कैन मेक दिस काइंड ऑफ मनी इट इज नॉट अबाउट मनी इट इज अबाउट द प्रोसेस सो माय नेम इज डॉक्टर देवेंद एंड आर वाचिंग मी ऑन ट्रेड विद डॉक्टर देवेंद टेलीग्राम एंड यूट्यूब चैनल अगर आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो आप ये चैनल फॉलो कर सकते हैं और अगर मुझे टेलीग्राम चैनल क्यों फॉलो करना चाहिए बिकॉज़ आपको फ्री में ये सब कुछ मिल जाता है जो आप शायद पेड चैनल्स में भी ना जा पाओ ठीक है तो कोई सब्सक्रिप्शन चार्जेस नहीं है फ्री है आप ज्वाइन कर सकते हैं तो क्या स्कैम है ऐसा <laughs> लगता है तो वहीं रहो जहां पे हो आने की जरूरत नहीं है इंजॉय करो लर्निंग सेशन इंजॉय करो तो आज का वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे लिए जो लर्निंग्स है वो बहुत की लेवल्स की लर्निंग्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पे और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कि आप जानो कि मार्केट में क्या काम करता है किस तरीके से मार्केट में एनालिसिस करनी चाहिए तो कई सारे लोग मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि सर अगर इंडिकेटर्स uh, इतने ही इंपॉर्टेंट होते तो लोग प्राइज एक्शन क्यों नहीं ट्रेड कर देते वेरी वेरी वैलिड क्वेश्चन है लेकिन मेरे भाई क्या आपको पता है प्राइज एक्शन होता क्या है अगर आप प्राइस एक्शन को प्रॉपरली जानते तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं करते राइट right? इंडिकेटर्स से हम क्या जानते हैं तो क्या मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता हूं यस आई टेक हेल्प फ्रॉम इंडिकेटर्स आई डोंट ट्रेड बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स अ वेरी माइन्यूट डिफरेंस बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस ओके अब इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब यह है कि दोस्त मैं हेल्प लेता हूं किससे इंडिकेटर से हेल्प लेता हूं लेकिन मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करता कैसे वो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है इफ यू फील डिसअपॉइंटेड यू कैन लीव दिस वीडियो एंड गो एंड इफ यू विल फील इंटरेस्टेड तो लाइक like करो शेयर करो सेव करो इस वीडियो को और कान से मन से तन से धन से सभी जगह से सुनो कि मैं क्या बता रहा हूं देखिए वीडियो में जो भी मैं अब यहां पे डिस्कस करने वाला हूं ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है नीचे आप कुछ देख रहे होंगे ये यह यहां पे एक ऑसिलेटर लगा हुआ है और यहां पे एक काली कलर की लक्ष्मण रेखा बनी हुई है मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक अंदाजा लगाने की चीज बता रहा हूं कि देखिए आपकी ट्रेडिंग कितनी इंप्रूव हो जाएगी राइट फील्स इंटरेस्टिंग राइट इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब नॉलेज जब आप आगे बढ़ते हैं ट्रेडिंग में राइट right? अब यहां पे time, you, you कि अगर आप कंफ्यूज रहते हो अगर आपके पास क्वेश्चन है इस तरह का कि सर मुझे ये समझ में नहीं आता कि मार्केट पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है कि नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है मैं कॉल लू कि पुट लू मैं किस तरफ का नजरिया रखूं सर मार्केट में क्या ब्रेकआउट चल रहा है मार्केट में क्या रिट्रेसमेंट चल रही है मार्केट में क्या रिट्रेसमेंट चल रही है मेरे ज़ोन्स कौन से हैं क्या मैं नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा हूं सर और क्या मैं यहां से ब्रेकआउट प्लान कर लूँ सर और या फिर मैं छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करूं सर कि बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करूं क्या मेरा मार्केट ऐसा तो नहीं बता रहा कि जिस ट्रेड के लिए मैं प्लान कर रहा हूं वो एक्चुअली रिट्रेसमेंट ट्रेड हो ना कि एक ब्रेकआउट ट्रेड तो ये क्या मैं एक बेहतर तरीके से पता लगा सकता हूं सर क्या मेरे लिए पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जो ये मदद देते हैं कि हाँ ऐसा दोस्त इस तरीके से सोच तो तेरा काम आसान हो जाएगा क्या तेरी जिंदगी में कुछ ऐसा है ठीक है अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या ये निफ्टी में एप्लीकेबल है क्या ये बैंक निफ्टी में एप्लीकेबल है क्या ये स्टॉक्स में एप्लीकेबल है क्या ये हर वो चीज जो आप ट्रेड करते हैं आपको क्या वहाँ पे एप्लीकेबल है क्या ये फ़ॉरेक्स में एप्लीकेबल है क्या ये क्रूड में एप्लीकेबल है एज वी आर डिस्कसिंग क्रूड एज वेल तो मैं आपको आज बता देता हूं कि यह हर जगह एप्लीकेबल रहेगा तो क्या सर ये कैंडलस्टिक्स के साथ काम करेगा क्या ये कैंडलस्टिक्स के नहीं या फिर सिर्फ एकेनेशी के साथ काम करेगा क्या सर ये रैंकों के साथ काम करेगा डेफिनेटली ये सब क्वेश्चंस का जवाब मैं आपको देने वाला हूं। ध्यान से सुनना जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या किस टाइम फ्रेम में यूज़ करूँ सर क्या वन मिनट टाइम फ्रेम में यूज़ करूँ कि मैं पांच मिनट में यूज करूं वेरी वैलिड क्वेश्चन सब न्यू या फिर जितने भी एक्सपीरियंस लोग रहते हैं उनके पास आता है अब कई लोगों को कमेंट करेंगे कि भैया आप अंधेरे में क्यों बैठे हो है ना तो मजा आ रहा है सेक्सी लग रहा है राइट <laughs> <Right? laughs> तो इस वजह से मैं ऐसे बैठा हूं। है ना तो दैट इज नॉट द पॉइंट पॉइंट क्या है आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए ठीक है ना आपको किस तरीके से एक अंदाजा लगाना चाहिए कि मार्केट में मुझे क्या करना है कैसे पता चलता है कि आपको क्या करना है देखो सिंपल सा तरीका है बहुत आसान सा तरीका है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं अगर आप एक स्कैल्पर हैं अगर आप एक मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेडर हैं तो भी इसको, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप पांच मिनट के ट्रेडर हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं पंद्रह मिनट के ट्रेडर हैं तो भी इस्तेमाल कर सकते हैं अब आप एंट्री एग्जिट के लिए आप मेरा कोई भी रूल इस्तेमाल कर सकते हो कोई भी स्ट्रेटजी मेरी पूरी वीडियोस देख लो खोल के है ना वीडियोस कहां से देखते हैं अगर मैं आपको बता दूं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए वहां पे लर्निंग वीडियोस हैं बहुत सारे उनमें जाके कोई भी स्ट्रेटेजी देख सकते हो कि एंट्री एग्जिट सुपर ट्रेंड बेस्ड स्ट्रेटेजी मैंने बहुत सारी बनाई हुई है और उसके अलावा मैंने और भी सारी वीडियोस बनाए हुए हैं उसको जाके देख लो कि एंट्री एग्जिट कैसे करेंगे यहाँ पे पॉइंट क्या है यहां पे पॉइंट क्या है कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग हूं या वीक हूं किस जोन में हूं तो सिंपल सा है कि ये मेरा वन मिनट का चार्ट है यहां पे आपको क्या लगाना है यहां पे एक इंडिकेटर आपको लगाना है जिसका नाम है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की सेटिंग्स में जाएंगे आप सेटिंग्स में जाने के बाद अपने टाइम फ्रेम को छेड़ा नहीं करना है यहाँ पे जो बैंड्स लगे हुए हैं इनको छेड़ना नहीं है और एक इंपॉर्टेंट सूचना कृपया जरोधा में इसको ना ढूंढे इंडेक्स में आपको इंडेक्स के चार्ट में ये चीज नहीं मिलेगी आपको ट्रेडिंग व्यू के ऑफिशियल साइट में जाके ये चीज करनी पड़ेगी ठीक है तो यहां पे आपको ये चीज ढूंढ लेनी है उसके बाद स्टाइल में जाइए मैंने ये अपर बैंड लोअर बैंड इस तरह से दिखेगा यूजली आपको ये सब नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे सिर्फ वी वैप की लाइन रहेगी वो भी ब्लैक कलर की ठीक है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस अब एक्चुअली वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस क्या होता है सिंपल आपका जो भी प्राइस चल रहा है उसका वॉल्यूम सबमिशन कितना है वॉल्यूम जो इंडिकेटर आता है उससे वॉल्यूम कितना है और उसका जब एवरेज निकालते हैं तो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस की एक लाइन बन जाती है ठीक है अगर वो लाइन <coughs> अगर उस लाइन के ऊपर मेरा प्राइस चलता है तो मैं पॉजिटिव टेरिटरी में काम करता हूं अगर मेरे प्राइस के इस डेटा इस के नीचे मेरा प्राइस चलता है तो मैं नेगेटिव टेरिटरी में काम करता हूं सॉरी <coughs> पानी पीना ही पड़ेगा देखो मेरे वीडियोस में कोई एडिटिंग नहीं रहती तो एडजस्ट कर लेना तुम लोग है ना मेरा पर्पस क्या है आपको समझाना सिखाना अगर इंटरेस्ट हो तो आप सुन सकते हैं आराम से है ना घर में तो सब बंदे ऐसे ही रहते हैं अब देखो यहीं पे अगर मैं तो मुझे क्या पता चला कि भैया इधर पे क्या है और ये नीचे क्या है इसके बाद ये नीचे भैया क्या लगा रखा है आपने तो इस इंडिकेटर का नाम है ऑसम ऑसिलेटर क्या नाम है इसका ऐसे जाओ यहां पे टाइप करो ऑसम ऑसम awesome ऑसिलेटर <coughs> जब भी आजकल बोल रहा हूं ना <coughs> तो खांसी बहुत आ रही है इलाज बताओ मेरे को है ना जिंजर तो बहुत ले ली मैंने उसके बाद आप लोग बता दो कि क्या करना चाहिए नहीं तो तुम्हारा तुम तुम्हार लोग का ही नुकसान है मैं कम बोलूंगा तुम्हारा प्रॉब्लम हो जाएगा देखो तो यहाँ पे क्या हो जाता है यहाँ पे आपको क्या करना ऑसम awesome ऑसिलेटर आपको अप्लाई कर देना है उसके बाद क्या मदद मिलेगी इससे इससे मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था क्या बताया था अगर मेरा जोन अगर मेरा प्राइस जो है इसके ऊपर चलता है तो अपन सोचेंगे कि भैया ये स्ट्रेंथ वाला एरिया है और अगर ये इसके नीचे चलता है तो मैं वीकनेस का एरिया मानूंगा अब इस एरिया में भी अगर मैं ऑसम awesome ऑसिलेटर के नीचे ट्रेड कर रहा हूं तो यहां दो चीजें हैं अगर ये हिस्टोग्राम्स लगातार नीचे को बड़े होते जा रहे हैं तो मुझे मान के चलना है कि फॉल आना बाकी है या फिर कंटिन्यू कर रहा है अगर यहां पे ग्रीन बार अपियर हो जाते हैं और ये जो हिस्टोग्राम का साइज जो है वो कम होता जाता है दिस मीन्स दैट रिट्रेसमेंट इज इन मोशन रिट्रेसमेंट मेरी हैंडराइटिंग हाँ बहुत खराब है जस्ट लाइक अ डॉक्टर है ना तो रिट्रेसमेंट यहां पे हो रही है अगर मैं जीरो लाइन के ऊपर चला जाता हूं तो मुझे यह समझना है कि यहां पे हम पॉजिटिव टेरिटरी में जा चुके हैं अब आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव टेरिटरी में लेकिन ये तो वी वैप के नीचे है तो मैं इसके लिए जैसे मैंने पिछले वीडियोस में बताया है हमारा जो एक मूविंग एवरेज में इस्तेमाल करता हूं उस मूविंग एवरेज की सेटिंग्स जो है वो 44 की है क्या है 44 की अब कई सारे नौ बोलेंगे सर कहीं आप 22 बोलते हो कहीं आप 44 बोलते हो तो भैया वो इंडिपेंडेंट स्ट्रेटजीज होती हैं आप जो चाहे फॉलो कर सकते हैं नॉलेज ये है कि जो चवालीस मूविंग एवरेज है उसके ऊपर जब ये जाएगा तो आप यहां पे मैचअप करके देख लीजिए जब भी वो उसके ऊपर जाएगा जब भी उसके नीचे जाएगा तो आप ये देखेंगे कि हम जीरो लाइन के ऊपर या नीचे आ चुके होंगे आप यहां देखिए मैंने क्या बोला जब भी हम उसके ऊपर या नीचे जाएंगे तो आप जीरो लाइन के ऊपर आ चुके होंगे जीरो लाइन के ऊपर आ चुके होंगे ड्यू अंडरस्टैंड नाउ तो मैं चवालीस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा हूं बहुत अच्छी बात है यहां देखिए रिट्रेसमेंट यह हो रहा है लेकिन जैसे ही आप इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज कर जाते हो आपको क्या मिलता है यहां पे एक फॉल मिलता है तो ये कौन सा ट्रेड है देखो ये हो गया ब्रेकआउट फिर उसके बाद क्या हुआ रिट्रेसमेंट ये क्या हो गया रिट्रेसमेंट और यही पता चल गया था कि अब ये वीक हो रहा है यही पता चल गया था ये वीक हो रहा है हिस्टोग्राम्स हेल्प यू टू अंडरस्टैंड भाई तेरा जो मोमेंटम चल रहा था अब इसका मोमेंटम का काम हो चुका है अब यहां से ये नीचे की तरफ का जोन दिखा रहा है ये रिट्रेस हो जाएगा ये ये बहुत अच्छी तरह से मुझे बता देता है कि मैं नेगेटिव टेरिटरी में हूं मैं यहीं पे ट्रेड कर रहा हूं लेकिन चूंकि आप वीवैप के ऊपर हैं आप थोड़ा इसको एग्रेशन कम दिखाएंगे ये सब बहुत जरूरी है आप पांच मिनट के चार्ट पे चले जाइए सेम थेरी सेम तरीके से आप वहां पे भी चीजों को समझ सकते हो चलिए बात करता हूं मैं वहां पे पांच मिनट में पांच मिनट में देखिए सेम तरीका क्या मेरा प्राइस क्या मेरा प्राइस आप यहां पे देखिए मैं यहां पे एक रिट्रेसमेंट देता हूं बहुत अच्छी बात है पांच मिनट के चार्ट पे अब बहुत नीचे थे लेकिन ये सिर्फ एक रिट्रेसमेंट रैली थी क्या थी ये रिट्रेसमेंट आप क्या कहते हैं कब पॉजिटिव टेरिटरी में घुस गए आप तो आप पॉजिटिव टेरिटरी में तभी घुसे जब आप इसके ऊपर आए तो ये से हमको यह पता चल जाएगा कि मेरा मार्केट जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है कि नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है तो क्या सर ये सिंपल हर दिन काम करता है हा भैया हर दिन काम करता है देखिए आप यहां पे एवरी डिप इज रिट्रेसमेंट एवरी डिप रिट्रेसमेंट या ओके okay? आप एंट्री एवरीथिंग आप दूसरे तकनीक से प्योर प्राइजेक्शन जो भी आपको आता हो आप उसके हिसाब से प्लान करिए लेकिन मेरा मुद्दा इतना है कि अगर आप उस पॉजिटिव टेरिटरी में भी आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो सीख सकते हो आगे बढ़ सकते हो आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ भी यूज कर सकते हो एक दूसरे के बगैर भी यूज कर सकते हो बिकॉज एज सुन आर थिंकिंग दैट आप यहाँ पे भी ऑसम ऑसोलेटर में भी नेगेटिव हो रहे हो तो इधर पे क्या मदद लेनी है यहाँ पे इस जो हिस्टोग्राम है उससे मुझे ये पता चलेगा कि मैं एक नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा हूं तो भी क्या रिट्रेस कर रहा हूं क्या ये मुझे मदद मिल जाएगी और एक बंदे को इतनी मदद बहुत है वो अपना काम खुद ही कर लेता है अब जैसे क्रूड ऑयल की बात कर लेते हैं आप देखोगे यहाँ पे हमने अगर आप देखोगे तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुके हैं सिक्स टू सिक्स जीरो के ऊपर बहुत बड़ा ब्रेकआउट हुआ है सिक्स थ्री थ्री टू तक बाजार गया है और यहां से अब नीचे आने की कगार पे लग रहा है और ये बता रहा है कि मैं रिट्रेस करने जा रहा हूं आप पांच मिनट पे देख लो सेम स्टोरी यहाँ पे देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में हो रहा है सारा गेम है ना तो ये मुझे ये मदद दे देता है और इसी के बेसिस में अगर आप देखोगे मेरे यूनिवर्स में आप यहां पे देखिए ये देखिए बाइक रूट बिटवीन सिक्स टू डबल जीरो टू 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 वन वन डबल एस एल सिक्स वन फाइव जीरो टारगेट सिक्स थ्री फोर फोर नाइनटीन फिफ्टी सेवन की कॉल है एंड इफ यू सी हियर नाइनटीन फिफ्टी सेवन पे क्या हुआ था नाइनटीन फिफ्टी सेवन पे हम यहां पे खरीदने को बोल चुके हैं हम यहां पे खरीदने को बोले थे यहां पे और 1957 के बाद में हमने ये बहुत बड़ा टारगेट सिक्स का निकाला है अगर आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी मैं इस चीज को यहां पोस्ट कर देता हूं ठीक है चलिए यहां पोस्ट कर दिया जाए इसको समझ में आ रहा है सारी चीज ये दिस इज हाउ इट यू मेक मनी इफ यू अंडरस्टैंड दिस वे देन डेफिनेटली ये चीजें मदद मतलब देने वाली है आपको अगर यूनिवर्स का हिस्सा बनने में इंटरेस्ट है ठीक है मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना नहीं, नहीं चाहता लेकिन आपको इंफॉर्मेशन तो मांगोगे ही फिर मेरे को मैसेज करोगे कर, मेरे को फिर जवाब देना पड़ेगा तो आपको क्या करना है आपको एंजल फायर्स या फिर आप स्टॉक्स में अकाउंट खोलना है और ट्रेड करना है आप उससे क्या हो जाएगा यूनिवर्स का भी हिस्सा बन जाएंगे आसानी से आप अगर यूनिवर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं इन बंदों की तरह कमाना चाहते हैं पैसा तो आप उस तरह से हिस्सा बन सकते हैं और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं यू कैन बिकम प्रोहिया तो आप इसका हिस्सा बनने के बारे में सोचिए कि कैसे हिस्सा बन सकते हैं आप ठीक है बात समझ में आ रही है सिंपल है स्ट्रैटेजी अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो इस तरीके से काम करना पड़ेगा आपको ठीक है अब एक और मैं छोटी सी टिप इस आ, सिस्टम में दे देता हूं आपको यहां पे आप एक और चीज यूज कर सकते हो जिसको बोलते हैं रिग्रेशन कैंडल्स रिग्रेशन कैंडल्स बोलते हैं ठीक है रिग्रेशन कैंडल्स लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स ठीक है तो आप जब भी लीनियर रिग्रेशन कैंडल्स यूज करोगे तो इस तरीके से दिखने लग जाएंगी आपको इस कैंडल को ऑफ कर देना है और इसको इस तरीके से ट्रेड कर लेना है आप इससे ये मदद मिल जाएगी कि मैं कभी भी जब ट्रेड करने जाऊं, है ना मैं कभी भी जब ट्रेड करने जाऊंगा तो मैं एक बेहतर ट्रेडर की तरह पेश आऊंगा समझ में आ रही बात मैं एक बेहतर ट्रेडर की तरह पेश आऊंगा और मैं बहुत ही बेहतर काम करने वाला हूं यहां पे ये रिग्रेशन कैंडल्स है ये सेम थ्योरी आप यहां पे भी अप्लाई कर सकते हो बैंक निफ्टी में भी बैंक निफ्टी अच्छा यार यहां से डायरेक्ट आ गए ना हम लोग तो इस वजह से ये इधर आ गया भाई साहब हम क्या ही करें अभी अच्छा हाँ उसकी आंख बंद कर दी थी हमने इसी वजह से तो ऐसा हुआ ठीक है तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में चले जाइए बैंक निफ्टी में जाने के बाद में यहाँ पे अपन को क्या करना है इसकी देखो ये चेंज हो गई थोड़ी सी वीडियो में लंबा बनाना नहीं चाहता था लेकिन थोड़ा सा लंबा बन गया अपन को इतना करना है ठीक है ये देखिए ये मुझे एक मदद दे देता है अब मैं इसकी आंख बंद कर देता हूँ अब बताओ कितना इजी हो जाता है तुमको फॉलो करना चीजें इजी हो जाता है कि नहीं हो जाता है अगर इस कंटेंट पे और वीडियो चाहिए तो मेरे को बता देना डेफिनेटली मैं बना दूंगा और काफ़ी अच्छा आपको मदद मिल जाएगी इससे और भी सीखने मिलेगा ठीक है थैंक यू सो मच एंड इफ अगर वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना शेयर करना और मुझे बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसा लगा थैंक यू सो मच टेक केयर एंड गुड नाइट फॉर नाउ अभी जाके हम लाइव करेंगे आप उधर फॉलो करिए सीखिए हम सब मिलकर आगे बढ़ते हैं ठीक है जय हिंद बाय